हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार फार क्राई 3 सीरीज़ में। तो बेसिकली अभी तक की स्टोरी हमारी ये चल रही है कि जेसन, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है, वो सिट्रा से मिल चुका है। और सिट्रा से मिलने के बाद उसने हेलुसिनेशन में देखा कि उसे एक वाइट ड्रेस पहने एक बंदे से मिलना है। तो वही उसकी नेक्स्ट मंजिल है जहाँ पे उसे जाना है। तो इसीलिए अब हम जा रहे हैं उस वाइट ड्रेस पहने बंदे के पास। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और उससे पहले के पार्ट भी आपको वहीं पे ही मिल जाएंगे। तो बेसिकली अभी हमें जाना उस वाइट ड्रेस पहने बंदे के पास ताकि वो हमें हेल्प कर सके वास को हराने में। सो लेट्स सी। ओके, यहाँ पे मुझे दिखे हैं कुछ पायरेट्स। ओके, तो मुझे इनसे बचना होगा क्योंकि पायरेट्स यहाँ पे घूमते रहते हैं, तो मुझे इसे ख़त्म कर देना होगा क्योंकि ये, या वरना मुझे गोली मार देंगे। तो मुझे मारो मारो मारो। ओके, मारो। इसके कंट्रोल थोड़ा सा अजीब से हैं, लेकिन ठीक है। इसको तो मैं चाकू से ही मार दिया। ठीक है, मैं इसका सामान लूट लेता हूँ क्योंकि इसमें पैसे वैसे रहते हैं, तो ये पैसे मेरे काम आ सकते हैं कुछ भी अपग्रेड करने के बाद में। तो मैं इससे एमओ वगैरह ले सकता हूँ क्योंकि एमओ बहुत जल्दी ख़त्म होते हैं इसमें। ओके, तो हमें ओके, यहाँ पे कौन सा जानवर घूम रहा है? ये सूअर। बेसिकली सूअर हमारे बहुत काम आ सकता है क्योंकि मैंने देखा था कि कुछ अपडेट्स, कुछ पाउचेस वगैरह सूअर से अपडेट हो रहे थे। तो इसे मारना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। इसको मैं मार ही लेता हूँ। आ गया भाई, इसकी खाल निकाल लेते हैं, ये हमारे बहुत काम आने वाली है। ओके, लेकिन मेरा थैला भर चुका है। चलो कुछ सामान हल्का कर लेते हैं ताकि मैं इसकी खाल को भी ले सकूं। ठीक है, ये मेरे काम का नहीं है, ये सस्ता है, इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसको भी डिस्कार्ड कर देता हूँ। ठीक है ठीक है। ओके ये ओके, तो अब ये काफ़ी हल्का हो गया है मेरा थैला, तो अब मैं इसकी खाल निकाल लेता हूँ। ओके, कुछ अपडेट आई है। बेसिकली कुछ अपडेट हुआ है मेरा एमओ पाउच नहीं, क्या अपडेट हुआ है मुझे? ठीक है, जो भी हुआ है मैं बाद में देख लूँगा। ठीक है, मैं थोड़ा सीरिंज बना लेता हूँ अपने लिए, ये मेरे काम आ सकती हैं आगे जाके। अपडेट क्या हुआ है पता ही नहीं चल रहा है। इसमें हर चीज़ में आइकन बना हुआ ऐसे आ रहा है कि सब कुछ ही अपडेट हो गया जैसे। ठीक है ठीक है, ये एमओ भी नहीं तो ठीक है, छोड़ो। चलो ठीक है, मैं उस बंदे के पास ही जाता हूँ। एक और सूअर मुझे दिख गया, चलो इसे भी ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, अब चलते हैं उस बंदे के पास जो कि है टाउन के दूसरे छोर में। देख लेते हैं वो कहाँ पे है, मैप में दिखा नहीं रहा यार, कहाँ पे चला गया वो, दिखना तो चाहिए था यहाँ पे। यहाँ पे नहीं है अभी, मैप पूरा दिखा नहीं रहा है क्योंकि मुझे रेडियो टावर इनके लेने पड़ेंगे, रेडियो टावर छुड़ाने पड़ेंगे पायरेट्स से, तब जाके ये मैप पूरा क्लियर होगा मेरे लिए। ओके, यहाँ पे है वो। ओहो, फास्ट ट्रैवल यहाँ पे अवेलेबल है बगल में ही, तो मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा। तो मैंने फास्ट ट्रैवल कर लिया है दोस्तों, तो अब हम चल रहे हैं सीधे उस टाउन में जहाँ पर वो बंदा हमें मिल सकता है। ये मुझे डेनिस ने बताया था कि वो इस टाउन पे हमको मिलेगा। तो हम आ चुके हैं बैड साइड ऑफ टाउन मिशन पे, तो यहीं वो बंदा मुझे मिलने वाला है। अब मुझे पता लगाना है कि वो बंदा मुझे कहाँ पे मिलेगा। तो अभी तक तो कुछ दिखा नहीं रहा है ये कहाँ पे जाना है। चलो चलते हैं जहाँ ले जाए रास्ते।
ठीक है, थोड़ा मेरा कुछ तो आ रहा है दैट्स द मैप में। प्लेस। ओके ये रहा ये झोपड़ी। ओके ये झोपड़ी मुझे देखी जैसी लग रही है, ये शायद हेलुसिनेशन में भी मुझे ये आई झोपड़ी गॉट दिखी फाइंड द थी। मैन इन व्हाइट। ठीक है अंदर चलते हैं, क्या है देखते हैं। ओ यहाँ तो पत्ते चल रहे हैं, मतलब कस्बे के निवासियों के यहाँ पे पत्ते चल रहे हैं। बढ़िया चिल लाइफ चल रही है इनकी। ये पीछे से जो बंदा आ रहा है मुझे लग रहा है ये You hear वही that है Snow जो White? मुझे Shut up दिखा about था Snow White. हेलुसिनेशन में। Every time you tell the story, we're playing. What the hell are you talking about? Snow White escapes from Foster's prison camp. Next thing you know, he's killing guys with a machete. That's the worst version of the story I ever heard. You पत्ते ruined the चल रहे drama. हैं बहुत तेजी Sounds से। like Hoyt needs to step in. Yeah, if it's true. Hoyt would make quick work of that guy, that's for sure. Probably kill him with his own machete. He already did with the owner of the mine. Hoyt's an artist. He'll kill this one, special. Okay. Am I right? मतलब इस What'd you say he looked like again? आइलैंड पे मुझे हर कोई All of them. अय्याशी करता हुआ ही दिख रहा है। कोई भी ऐसा नहीं कि भैया काम कर रहा हो, साले सब अय्याशी कर रहे हैं। कोई जुआ खेल रहा है, कोई शराब पी रहा है। ये बंदा है जो मेरे काम का है, ये ऐसा लुक दे के क्यों जा रहा है मुझे? Nice play. आई एम श्योर ये वही बंदा है। हाँ ये वही बंदा है, तो हमें इसका पीछा करना पड़ेगा। That's the guy from my vision. He's gonna lead me to ओके Keith and Oliver. तो मुझे इसका पीछा करना है, और ऐसे पीछा करना है इसको पता ना चले कि मैं इसका पीछा कर रहा हूँ। अगर इसे पता चल गया तो हमारा मिशन फेल हो जाएगा, तो हमें काफ़ी सावधानी के साथ इसका पीछा करना पड़ेगा। तो चलें चुप चुपके से स्टील्थ का यूज़ करते हुए इसका पीछा करें। That man's the key to this. I know it. ये देख ना ले बस, मुझे ज़्यादा दूर भी ना चला जाए कि मैं इसे मिस ना कर Can't let जाऊँ। him see me. ठीक है इसके पीछे छुप जाता हूँ। अब तो काफ़ी आगे चला गया है वो। ठीक है थोड़ा मैं चल लेता हूँ तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है मुझे अभी, वो मुझे नोटिस नहीं कर पाएगा। कहाँ गया वो बस देखे ना यार, ये मुझे मैं काफ़ी नज़दीक पहुँच गया हूँ, मुझे छुप जाना चाहिए यार। ये एकदम से पलट गया तो भाई ये देख लेगा, छुप जाना चाहिए। जा रही हूँ उनके पीछे, मछलियाँ काट के रखी यहाँ पे फ्रेश एकदम। पहला बंदा दिखा है जो काम कर रहा है एक्चुअल में इस गेम में। ठीक है किससे बातें कर रहा है, इसकी अलग ही बातें चल रही है। गांव वालों में काफ़ी अच्छी पहचान है लग रहा है इस बंदे की। ठीक है चला जाए इसके पीछे दोबारा। ओके तो ये टाइमर किस चीज़ का आ रहा है? अच्छा ओके तो ये मुझे टाइमर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मुझे ज़्यादा देर तक इस बंदे को शेडोड नहीं करना है। मतलब ऐसा ना हो कि मैं ज़्यादा देर तक इसे ना देखूं तो ये टाइमर ऑन हो जाएगा 20 सेकंड का। मुझे इस पे नज़र भी रखते रहनी है कंटिन्यूसली। ठीक है ये काफ़ी दूर चला गया, अब मैं जा सकता हूँ इसके पीछे। ओके अब मैं छुप जाता हूँ एकदम से। इसने देख ही लिया था भाई, मैं तो मुझे तो लगा भाई इसने देख लिया। चलो टाइमर ऑन हो गया है। अरे शिट इसने देख लिया है, मिशन फेल हो गया है। शिट मैन अब हमें दोबारा से ये चालू करना पड़ेगा, और ये गेम ऐसा है कि इसमें चेक पॉइंट से चालू नहीं होता, सीधा मिशन से ही चालू होती है जो भी चीज़ें होती है। तो ये एक्सपेक्ट मत करना कि इस गेम में कि जहाँ पे तुम मरे वहीं से ही शुरू हो जाएगा, नहीं ये शुरू करता है सीधे उस मिशन के स्टार्टिंग से जहाँ से इसने मुझे ला के खड़ा कर दिया है। लेकिन इस बार मैं सावधानी बरतूंगा और मुझे इस बार ये मुझे देख ना पाए। इस बार साइलेंटली चलते हैं एकदम।
आवाज निकलनी ज्यादा. Can't let him see me. I gotta stay on him. Damn it. Don't get ahead of yourself. We'll take care of one problem at a time. Besides, it might rain soon. काफी दूर निकल गया है अब. सेफ लग रहा है मामला. साला रुकता बहुत है, इसका पता नहीं चलता. ये अचानक से रुक जाता है और अचानक से पलट जाता है. तो इसका यही मेरे को सीन अच्छा नहीं लगा. इस बंदे का बड़ा अनप्रिडिक्टेबल सा है ये. ठीक है, देखना ले भाई. फिर वहीं जाकर रुका है, वहीं उसी से बात कर रहा है जिससे पहले कर रहा था. ओके, तो अब फिर से मुझे इसके पीछे लग जाना चाहिए जग्गा जासूस बनके. नहीं, अब नहीं देखेगा ये. मुझे नहीं लगता है ये मुझे देख पाएगा. I'm sick. I don't fucking care, twerp. You're not be holding out on me. I don't feel good. Okay. You want some medicine? Please don't. Take your miss. Feel better? You're not me again. छुपे ही रहता हूँ और यहाँ पे इस विलेज में कुछ हो या ना हो, लेकिन हसीनाओं का पूरा इंतजाम है यहाँ पे. यह चीज़ मैंने नोटिस करी है. मतलब खाने को खाना नहीं है, लेकिन इंतजाम पूरा चाहिए भैया. यही तो लाइफ है. वन लाइफ है भी. ठीक है, इस बार तो मैं भाई इसका पीछा करके रहूँगा एंड तक. इस बार मुझे नहीं रोक पाएगा ये. चला गया. ओ भाई साहब, नहीं पलटना नहीं है मेरे दोस्त. तू चलते रहो बस, मैं चुपके से आ रहा हूँ तेरे पीछे. ज़्यादा बवाल हो गया तो मैं गोली वोली मार दूँगा ऐसे. और क्या कर सकता हूँ भाई, ज़्यादा नखरे करेगा तो गोली ही खानी पड़ेगी इसे लास्ट में. और क्या होगा, है ना. ओके, तो ये इस झोपड़ी के अंदर चला गया है और ये हमारा मिशन पूरा हो चुका है. बैड साइड ऑफ द टाउन, क्योंकि हमने इसे फॉलो कर लिया है पूरा. अंदर घुसते हैं. ये क्या चल रहा है इसका भाई. ये तो US का झंडा वंडा लगा है. ये तो कुछ मिलिट्री वाला लग रहा है ये बंदा. कुछ स्पेशल फोर्सेस इस टाइप का कुछ लग रहा है ये. ओके, तो क्या सीन चल रहा है आखिर यहाँ. ये क्या बात है कैप्टन भाई, क्या बात है. ने क्या लगा दिया है यार, कहाँ से आ रही हैं आवाज़ें. एक तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा. मतलब उसको पता चल चुका है कि मैं अंदर घुस गया हूँ. तो ये कोई एजेंट वेजेंट है भाई. अच्छा, ये खुद, मतलब ये बंदा खुद एक एजेंट है. ओके, तो ये मेरे काम आ सकता है. मे भी क्या पता ये मिलिट्री वगैरह फोर्सेस वगैरह बुला ले और मुझे इस आइलैंड से निकाल ले, है ना. तो ये मेरे काम आ सकता है भाई. तो मुझे अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन वो बंदा गया तो गया कहाँ. ज़मीन निकल गई या आसमान खा गया, आखिर कहाँ गया वो. अभी तक तो अंदर घुसते ही गायब हो गया भाई. इसने पक्का कुछ ना कुछ, इसका अंडरग्राउंड बंकर है या फिर कुछ तो है इसका भाई. देखना पड़ेगा मुझे इस कमरे में क्या है सीन. गो टू विलीस. ओके, तो उस बंदे का नाम विलीस है बेसिकली. मार्क तो यहीं कहीं दिखा रहा है. ये बंदा नीचे है कहीं बंकर पे. मैं देखता हूँ कोई रास्ता दिखे मुझे तो. नहीं, यहाँ भी नहीं, इधर भी नहीं है. इसके पीछे हो सकता है, यही है वो दरवाज़ा. तो यहाँ बैठे हैं महाशय. रात का
मजा लेते हुए। तो ये क्या बोल रहा है? I'm not okay. I need to get help from the army and the government. You can't. Oh, great. I'm embedded. Not really in contact with central intelligence. So, you're alone here. तो ये सेंट्रल इंटेलिजेंस का बंदा है, तो यहाँ पे ये हमारी हेल्प नहीं करेगा, ये कहना चाह रहा है। ये बड़ा हरामी बंदा है। I can't talk to you about it, but trust me, it's big. Sounds huge. I need more info. Okay, तो ये कोई बड़े मिशन के चक्कर में आया है इस आइलैंड पे, ये मुझे पता चल रहा है इससे। लेकिन इसने भैया ये क्या बवाल चीज दे दी भाई, फ्लेम थ्रोअर। Okay, तो मुझे क्या करना है फ्लेम थ्रोअर से बेसिकली? Hoyt Volker is the boss of a very good friend of yours, Voss. अच्छा, तो ये इस बंदे का पीछा कर रहा है Hoyt Volker का, जो कि Voss का ही एक दोस्त है और बहुत बड़ा एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, और वो मतलब ड्रग्स भी हुआ था है, उनको बेचता भी है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी करता है, वो काफ़ी हरामी किस्म का बंदा है। तो ये इसके पीछे पड़ा है ये बंदा। तो ये चाहता गया फिर हमसे कि भैया बंदूक लो, और इस बंदूक का क्या करना है? ओके, तो ये चाहता है कि इस फ्लेम थ्रोअर का यूज करके हम उस बंदे के जो Hoyt Volker है उसके बाद जाके उसका सब कुछ फील्ड वगैरह जला दें, ताकि वो एक्शन में आ जाए और उसे पकड़ सके। ये भाई बड़ा मतलबी आदमी है। अब मुझे निकलना पड़ेगा यहाँ से, और दोस्तों इसी के साथ ये मिशन पूरा हुआ। नेक्स्ट पार्ट में भी मिलते हैं आपको, उसमें हम जाएंगे वो फील्ड चलाने, वो वाला हम मिशन पूरा करेंगे और उस बंदे को बुलाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत। लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। Thank you so much, guys. Have a great day ahead. Maybe Dennis knows more about Hoyt.